सो हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त विनीत और आप देख रहे हो हमारा और आपका चैनल टेक्निकल भैया जी। तो गाइज यार, आज की इस वीडियो में आर सी 21 का फुल कन्फ्यूजन सॉल्व करने वाले हैं। तो गाइज यार, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो लाइक कर दो, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइब करो एंड भैया जी आर्मी को ज्वाइन कर लो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज यार, सबसे पहले बैकग्राउंड नॉइस को इग्नोर कर देना क्योंकि यार क्रिएट स्टेडियम में हूँ, घर पे हूँ नहीं। तो दोस्त यार, यहाँ पे देखो यार, रियल क्रिएट 21 न्यू गेम होगा वो तो कंफर्म हो चुका है। तो यहाँ पे ये देख लो कंपनी का रिप्लाई, लेकिन अब बहुत सारे यूजर्स मतलब मानने को तैयार नहीं कि रियल क्रिकेट 21 न्यू गेम होगा। गाइज यार, मैं भी नहीं चाहता कि रियल क्रिकेट 21 न्यू गेम हो यार, मैं भी चाहता हूँ कि रियल क्रिकेट 20 को ही अपडेट किया जाए। बट गाइज यार, न्यू गेम क्यों हो रहा है आप लोगों को मैं बताता हूँ। अब गाइज, स्टेडियम में कमिंग सून आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, गाइज उससे कोई मतलब नहीं है। तो दोस्त यार, अब देखो सबसे पहली बात, ये हो रहा है कॉम्पिटिशन। जी हाँ गाइज, अब जैसा कि आप देख सकते हो रियल क्रिकेट 17 से टक्कर लेने के लिए कौन सा गेम है, WCC, जस्ट मतलब WCC 1 जिसको आप कह सकते हो। फिर रियल क्रिकेट 20 से टक्कर लेने के लिए कौन सा गेम है, वो है WCC 2। गाइज यार, अब RC20 दो गेम से एक साथ टक्कर तो नहीं ले सकता ना गाइज यार, एक साथ टक्कर लेने में गाइज यार गेम का कॉम्पिटिशन भी मतलब एकदम से बिगड़ जाता है। अब उसको WCC 3 से टक्कर लेने के लिए ये बना रहे हैं रियल क्रिकेट 21। जी हाँ गाइस, रियल क्रिकेट 21 बनाया जा रहा है इसीलिए। तो दोस्त यार, अब यहाँ पे तो आप लोग समझ गए हो। तो दोस्त यार चलो इसको थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। जैसा कि आप लोग ले सकते हो पबजी मोबाइल। जी हाँ गाइस यार, पबजी मोबाइल किससे टक्कर लेने के लिए था गाइस यार, वो था COD यानी कॉल ऑफ ड्यूटी से, ठीक है। अब गाइस COD से वो फ्री फायर से भी टक्कर लेना चाहता था, लेकिन अपने बड़े गेम से तो वो फ्री फायर से टक्कर नहीं लेना चाहेगा। तो उन्होंने कौन सा गेम बनाया, पबजी लाइट। जी हाँ गाइस यार, इस तरह से कॉम्पिटिशन एकदम से बराबर चल रहा था। लेकिन गाइस, अब रियल क्रिकेट भी ऐसे कुछ कॉम्पिटिशन करने की सोच रहा है। तो दोस्त यार, बहुत सारे लोग कह रहे होंगे कि यार अब अगर न्यू गेम होगा रियल क्रिकेट 21 तो फिर रियल क्रिकेट 21 के फीचर मतलब रियल क्रिकेट 20 वाले फीचर नहीं होंगे। तो गाइज यार, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। रियल क्रिकेट 21 में रियल क्रिकेट 20 के बैटिंग शॉट्स वगैरह तो ऑलमोस्ट ही रहेंगे। लेकिन गाइज यार, अगर हम बात करें कि सारे फीचर्स, तो गाइज यार बीटा वर्जन के अंदर तो सारे फीचर्स अवेलेबल नहीं होंगे, लेकिन आपको 5-6 महीने के अंदर सारे के सारे फीचर्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात है गाइज। और गाइज यार, आपको नए से नए फीचर देखने को मिलेंगे। लेकिन गाइज, ये कॉपी पेस्ट सिस्टम बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। जी हाँ गाइज यार, रियल क्रिकेट 21 क्यों आ रहा है वो तो आप समझ गए, लेकिन कॉपी पेस्ट वाला सिस्टम बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। मतलब जैसा कि रियल क्रिकेट 20 का ग्राफिक्स पूरा RC21 में रिलीज़ कर देंगे, WCC 2 की तरह बिल्कुल भी नहीं होने वाला। जैसे WCC 2 की ग्राफिक्स WCC 3 में यूज़ की गई है थोड़ी सी एक्स्ट्रा करके। तो गाइज यार, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला, क्योंकि आप लोग सोच सकते हो जब RC18 में ऐसा गेम था, 19 में पूरी तरह चेंज हो गया। अब गाइज, अनुज मांकर भी वापस से बैक आ चुके हैं, जो कि गेम के लिए काफी अच्छी बात है। अब गाइज यार, आप लोगों को काफ़ी हाई क्वालिटी की ग्राफिक्स देखने को मिलने वाली, फील्डिंग एनिमेशन देखने को मिलने वाला है गाइज यार, ट्रॉफी सेलिब्रेशन देखने को मिलने वाला है, एंड साथ में गाइज आपको बहुत सारे एक्साइटिंग फीचर्स देखने को मिलेंगे, न्यू बैटिंग शॉट्स आपको देखने को मिलने वाले हैं गाइज यार। मतलब ये सब कंपनी ने ऑफिशियल कन्फर्म कर दिया गाइज, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में प्रूफ दिखाया था। अब गाइज यार, यहाँ पर आप लोगों को फिर से समझा देता हूँ क्यों आ रहा है RC21। जैसे RC WCC से टक्कर लेने के लिए है RC17, WCC 2 से टक्कर लेने के लिए हमारा RC20, अब WCC 3 से भी टक्कर तो RC20 दो गेम से तो नहीं ले सकता, इसलिए RC21 को लॉन्च किया जाएगा। एंड आपको टीजर कब तक देखने को मिलेगा, यानी ट्रेलर कब देखने को मिलेगा, तो गाइज यार हमारा जो ट्रेलर है वो देखने को आपको मिल जाएगा यहाँ फरवरी तक में। जी हाँ गाइज यार, January to February में आपको कोई सा भी टीजर मतलब गेम का ट्रेलर देखने को नहीं मिलेगा, एक टीजर देखने को मिलेगा जिसमें हो सकते कोई फीचर वगैरह दिखा दिया जाए कि ये फीचर आने वाला है। तो आई होप गाइज यार, आप लोग समझ गए होंगे, एंड आपका चलो एक और डाउट क्लियर कर लेते हैं। तो गाइज यार, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अनुज मांकर तो यार जेट सिंथेसिस से क्या आप इसमें काम करेंगे। देखो गाइज यार, ऐसा है कि जेट सिंथेसिस भी अब नॉटिलस भी अब जेट सिंथेसिस की कंपनी है। तो देखो, अब वो है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ हमारे जेट सिंथेसिस, लेकिन गेम के को आगे बढ़ाने के लिए जेट सिंथेसिस ने अनुज मांकर को बैक कर दिया नॉटिलस में। तो गाइज यार, यहाँ से आप समझ गए हो।
एंड आपको मैं बता दूं, रियल क्रिकेट 21 जो होने वाला है वो फुल मल्टीप्लेयर बेस्ड गेम हो सकता है। जी हाँ गाइस यार, क्योंकि 11 वर्सेस 11 आपको मल्टीप्लेयर देखने को मिल सकता है। एंड गाइस यार, मैं चाह रहा हूँ कि ये ऐसा देखने को मिल जाए क्योंकि क्रिकेट गेम का भी क्रेज़ बढ़े, क्योंकि मल्टीप्लेयर गेम्स का गाइस आजकल क्रेज़ ही चल रहा है। तो गाइस यार, आप लोग समझ चुके हैं, एंड ई स्पोर्ट भी आ रहा है रियल क्रिकेट 21 में, क्योंकि वहाँ पर हमारे जो जेट सिंथेसिस के हेड है उन्होंने पहले ही बता दिया, एंड मेहर कृष्णा भी अब इसके लिए सहमत हो चुके हैं। तो गाइज आप लोग अब एक्साइटेड हो जाओ रियल क्रिकेट के लिए, क्योंकि अब जस्ट आपको 4 महीने भी वेट नहीं करना गाइज यार, 3 मंथ्स बचे हैं। अब 3 मंथ में आपको देखने को मिलेगा कंफर्म रियल क्रिकेट 21, 5 अप्रैल को होगी रिलीज डेट। तो गाइज यार, बस ये था आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड वीडियो बुरा लगा हो ना तो डिसलाइक ठोक दो गाइज यार, और रीज़न भी लिख देना कि आपको वीडियो बुरा क्यों लगा। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा।